कुछ रंग प्यार के ऐसे भी हो गया तैयार बेटा? हाँ माँ। खुश रहे, तरक्की कर, जा। क्या हुआ, जाना नहीं है? पहले ही आधा घंटा देर से तैयार हुआ है। हाँ माँ, बस जा ही रहा हूँ। चलता हूँ। कहाँ थी तुम? कुछ काम कर रही थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, देर हो रही, शाम में मिलते हैं। बाय। शाम को जल्दी आ जाऊंगा ताकि इस रात को हमारा और इंतजार ना करना पड़े। टुनाइट स्पेशल। गिफ्ट मिल गया आपका। थैंक यू। लेकिन खोला तो नहीं ना? नहीं, मैं बस अभी खोलने वाली। नहीं नहीं सोनाक्षी। अरे खोला मत प्लीज। लेकिन अगर खोलूंगी नहीं तो मैं कैसे? सरप्राइज है प्लीज। जब तक खोलूंगी नहीं तो सरप्राइज कैसे हो जाऊंगी? सोनाक्षी मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने गिफ्ट खोलो। अरे लेकिन आपको तो पता है ना इसमें क्या है, सरप्राइज तो मेरे लिए है। हाँ लेकिन जब तुम गिफ्ट खोलोगी तो मैं तुम्हारे सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस देखना चाहता हूँ। ठीक, मैं अब तो यही सोचती रह जाऊंगी ना कि इसमें क्या है। इतनी देर वेट किया, थोड़ी देर और सही। मिस बोस, इट्स मिसेस दीक्षित फॉर यू। फाइन, यू विन। लेकिन कुछ तो हिंट दीजिए ना, इसमें क्या है? हमारी स्पेशल नाइट को और स्पेशल बनाने के लिए। कुछ पहनने के लिए है क्या? आपकी स्माइल यहाँ तक सुनाई दे रही है मुझे। तुम्हें कैसे पता कुछ पहनने के लिए? क्योंकि मैंने प्यार किया ये मेरी भी फेवरेट मूवी है। पता था मुझे। देव, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके। अरे मुंह फुलाकर क्यों जा रहे हो, स्माइल तो कीजिए ना। लो स्माइल कर दिया। बुआ दादी को आज ही जाने की क्या जरूरत थी, सुबह इतना अच्छा नोट लिखा था मैंने। इतनी भी रो रोने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मिस्टर ओबोद्रो। फाइन, मैं तुम्हें आज बहुत मिस करने वाला हूँ। कुछ ही घंटों की बात है, वापस तो यही आना है ना मेरे पास? बहुत पास। अरे देव हो गया तैयार? हाँ भाई। हाँ मामा जी आया, तुम भी चलो ना, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। हाँ और इतना रोमांटिक भी, आप, मैं, संध्या और दादी बुआ, बिल्कुल हम साथ साथ है टाइप्स ना। मैं सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत लंबी ड्राइव होगी ना, और यहाँ पे माँ को कौन मदद करेगा? पता है जब से तुम यहाँ आई हो ना इस घर में, तब से बेस्ट बहू का पैजेंट जीतने की तैयारी कर रही हो। बेस्ट बीवी का पैजेंट जीतने की तो कोशिश ही नहीं की तुमने। मैं सिखाता हूँ तुम्हें, बेस्ट बीवी का पैजेंट जीतने के लिए दो रूल्स होते हैं। पहला रूल कि अपने पति के एकदम पास आ जाओ। और दूसरा? कभी दूर मत जाओ। देव, आजा बेटा, बुआ जी को देर हो रही है। सीरियसली? अब जाना ही पड़ेगा। मिस मी। कहने की जरूरत नहीं है। गाजर खा के भी मिस खरगोश सो गई? आपके जाने के बाद नींद आ गई। ओके चलो, मैंने बुआ जी को ड्रॉप कर दिया है, आते आते सुबह के 8-9 बज जाएंगे। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ फिर। ठीक है, तुम सो,
मैं अकेले ही ड्राइव करके घर पहुंच जाऊंगा. गुड नाइट. बाय. क्या हुआ, तुम तो सो गई थी ना, फोन क्यों किया? आप मुझे 2 साल की बच्ची बुलाते हो. खुद को देखिए, न्यू बॉर्न बेबी. दुनिया की सबसे पुराने चाल में आप फंस गए ना. जब फंसाने वाली इतनी गॉर्जियस हो तो फंसने में मजा आता है. अपना स्वैग अपने पास ही रखिए. बुद्ध तो बन गया ना, बुद्धराम. बुद्धू तो बन गया था. मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा. तुमने मुझे मिस ही नहीं किया. शट अप. अब सच सुनिए, मैं सो नहीं रही थी, आपको मिस कर रही थी, आपके कॉल का वेट कर रही थी. आपने तो कहा था कि ये रात हम साथ में बिताएंगे, तो अब साथ में बिताते फोन पे. सुबह तक बात करेंगे, ठीक है? तो ऐसी होगी हमारी फर्स्ट नाइट. हाँ हाँ, अभी तो सिर्फ तुम्हारी आवाज ही सुनने को मिलेगी. इस वक्त कौन है? माँ होगी शायद. मैं देखती हूँ, आपको कॉल करती हूँ. ओके. हेलो. इतनी रात को मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे बात कर सकती है और किसी से नहीं. माँ आई थी क्या? हाँ, वो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो उसी के बारे में माँ बताने आई थी. कल जल्दी उठना है. कल फिर से जल्दी उठना है? फिर से पूजा है? अब मुझे गाड़ी उड़ा के पहुँचानी पड़ेगी. बिल्कुल नहीं दी, हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता. प्यार भी नहीं. प्यार की कोई हद नहीं होती. वैसे भी मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ. तुम भी बेहद. काफी सुन रहा हूँ इस शो के बारे में, अच्छा लग रहा है. सोनी पे आने वाला है ना? हाँ, कल से. मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सोनी पर, और इस बेहद प्यार वाले शो को हम साथ में देखेंगे. ओके ओके, तुम्हारे साथ हर प्लान मुझे अच्छा लगता है. आप प्लीज गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चलाना. ओके, प्रॉमिस कीजिए. हाँ बाबा, बट तुमसे मिलने की इतनी जल्दी है मुझे, तुम्हें इतना सारा प्यार देना है. वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है. देव, आप आते आते बहुत थक जाएंगे ना, तो आप कल आके अच्छी तरह रेस्ट कर लेना, ठीक है? हाँ बाबा, रेस्ट भी कर लूंगा, अब सो जाओ. देव, गुड नाइट. वेट, क्या हुआ? अब अपनी अमार नथुना ना बाबा दू होए. व्हाट? तुम्हें अपनी मदर टंग भी नहीं आती? इसका मतलब है कि तुम मेरी नई दुल्हन हो. ओ, अपनी अमार नथुन नववधू हो. कहा था ना मैंने, फनी लैंग्वेज है. फनी भाषा नहीं है, स्वीट भाषा है. ओके, और आप भी स्वीट है. जल्दी से घर आइए. गुड नाइट. Finally. अरे, तुम क्या रात में सपने में ड्राइविंग कर रही थी? थका हुआ मैं हूँ और चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ है. आप नहीं थे तो मुझे नींद कैसे आती? प्लीज अभी फिल्मी बातें मत करो. आज से पहले कैसे आती थी? कि मैं क्या खिड़की के रास्ते तुम्हारे घर में आके तुम्हें सुला के जाता था. ठीक है, पहले कुछ खा लो. अरे लो, अब अपने हाथों से खिलाओ. मेरा फास्ट है. तुमने ये कुछ परफेक्ट बहू के पैजेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया? तुम इन सब चीजों में कब से बिलीव करने लगी? गलत टाइम पे जाती है, जो नहीं रहता कुछ. रिया, तुम अंदर आ सकती हो.
आओ ना, मैंने पकोड़े बनाए भोला भैया आपकी हेल्प से। बैठ के अपने भैया को खिलाओ, मैं मामा और माँ के लिए फ्रूट्स लेके जाती हूँ, ठीक है? आपको पता है भैया, इन पकोड़ों में ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है भाभी ने, एयर फ्रायर में बनाया है, नो ऑयल। खाओ ना। बहुत टेस्टी है, खाओ ना। खा तू। अरे अच्छे से खाओ। अरे खा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.